नमस्कार। आज सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा लिखा हुआ पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इस पाठ के हम प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कौन से सन में हुआ था? तो इसका उत्तर है 1927 में। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस पत्रिका के संपादक थे? पराग के। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को खूंटियों पर टंगे लोग रचना पर कौन सा पुरस्कार मिला था? इसका उत्तर है साहित्य अकादमी पुरस्कार। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का निधन कौन से सन में हुआ था? सन 1983 में। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक कौन सा है? बकरी। मानवीय करुणा की दिव्य चमक किसे कहा गया है? फादर कामिल भुलके को। फादर का देहांत कौन से सन में किससे हुआ था? जहरवाद से। फादर की आंखें कैसी थी? नीली। लेखक का फादर से संबंध कितने वर्षों का था? 35 वर्षों का। फादर कामिल भुलके भारत में कितने वर्ष रहे? 47 ईयर्स तक वो रहे थे। लेखक का फादर से संबंध कहाँ से था? इलाहाबाद से। फादर को देखना किसके निर्मल जल में स्नान करने जैसा था? करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। फादर से बात करना किसके संकल्प से भरना था? कर्म के संकल्प से। लेखक को किसके वे दिन याद आते हैं जब वे एक पारिवारिक रिश्तों में बंधे थे? परिमल के। फादर के साथ खड़ा होना ऊंचाई पर किसकी छाया में खड़े होने जैसा था? देवदारू। देवदारू एक वृक्ष होता है जो घना और छायादार होता है, तो लेखक को यह लगता था कि वह देवदार की छाया में खड़ा हुआ है। लेखक ने फादर कामिल भुलके की साइकिल कहाँ की सड़कों पर चलती दिखाई देने की बात कही? इलाहाबाद। फादर के मन में पढ़ाई के दौर में क्या इच्छा आई थी? वह सन्यासी बनना चाहते थे। फादर भुलके की जन्मभूमि कहाँ थी? उनकी जन्मभूमि थी रेम्स चैपल। फादर भुलके के अभिन्न मित्र कौन थे? डॉक्टर रघुवंश। फादर ने किस संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की? जी सेठ। इलाहाबाद में हिंदी से एमए किया था, उस समय हिंदी विभाग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। फादर ने अपना शोध प्रबंध किस पर लिखा था? रामकथा पर उन्होंने अपना शोध प्रबंध लिखा था, यानी रिसर्च पेपर्स जो थे वो रामकथा पर लिखे थे। फादर ने शोध कार्य कौन से विश्वविद्यालय से किया था? प्रयाग विश्वविद्यालय से उन्होंने रिसर्च किया था। फादर कहाँ के सेंट जेवियर्स कॉलेज में हिंदी के विभाग अध्यक्ष थे? वह रांची में कॉलेज के विभाग अध्यक्ष थे। फादर हिंदी को किस भाषा के रूप में देखना चाहते थे? वह हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। फादर कामिल भुलके का देहांत कौन से सन में हुआ था? सन 1982 में उनका जहरवाद से देहांत हो गया था, ध्यान रखिएगा। फादर को दिल्ली के किस कब्रगाह में दफनाया गया? निकलसन कब्रगाह में उन्हें दफनाया गया था। फादर कामिल भुलके कितने वर्ष तक जीवित रहे थे? 73 ईयर्स तक वो जीवित रहे थे। नील पंछी किसके नाटक ब्लू वर्ड का रूपांतरण था? मातरलिंक। फादर के पिता क्या थे? व्यवसायी थे वो। फादर भुलके धरती में जा रहे हैं, इस धरती में ऐसे रत्न और पैदा हों, ये शब्द किसने कहे? ये कहा था फादर पास्कल ने। फादर कामिल भुलके अपनी माँ की चिट्ठियाँ कौन से मित्र को दिखाते थे? डॉक्टर रघुवंश को दिखाते थे। फादर भुलके ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कौन से वर्ष में छोड़ी थी? उन्होंने अंतिम वर्ष में अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। यह है जो है मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के प्रश्नोत्तर हैं। तो इसके मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के वीडियोस भी बनाए हैं जो आप प्लेलिस्ट में जा करके चेक कर सकते हैं। यदि आपको इस पाठ से संबंधित कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को प्रेस करें जिससे आपको सभी चैप्टर्स के नोटिफिकेशन समय पर मिल सकें।